ये तो हुआ डाउन साइड ऑफ स्टार्टअप, बिजनेस ग्रो हुआ, बिजनेस ग्रो होना शुरू, दोबारा कोई डाउनफॉल आया? डाउनफॉल तो दो तीन आए, आई थिंक एक मेजर डाउनफॉल ये आया कि हमने एडवर्टाइजिंग करते नहीं थे, हालांकि एडवर्टाइजिंग यू नो वी आई केम बैक फ्रॉम अ बैकग्राउंड फॉर एडवर्टाइजिंग, हमने कभी एडवर्टाइजिंग की नहीं। तो एक दफ़ा हमारे एक डिस्ट्रीब्यूटर ने हमें कहा कि भाई आप ऐसे कीजिए इसको कूपन निकाल दें, डिस्काउंट कूपन, कि भाई 3 रुपये ऑफ या कुछ। तो हमने 3 रुपये ऑफ का कूपन उनके मशवरे से निकाल दिया। अब वो 3 रुपये कूपन निकाला क्या, उन्होंने क्या किया कि हमारे तो पैकेट 10,000 बिके, बाजार में किसी ने कूपन समझो कि 25-50,000 छाप लिए, हर कूपन 3 रुपये का हो गया ना, तो नहीं बल्कि ज़्यादा, कोई 1,00,000 के करीब छाप लिए, 5 रुपये का था शायद ऑफ, 5 रुपये ऑफ था, तो वो 5,00,000 रुपये हमें देने पड़ गए। यानी मार्केट में उन्होंने फ्रॉड किया। एट व्हाट एज आपकी कंपनी, कितने साल की? आई थिंक 1983 की बात, 1993 की बात होगी, 10 साल पुरानी कंपनी हो गई थी, उससे काफ़ी नुकसान हो गया था। बज़ाहिर जो नज़र आता है आपको वो नुकसान उसमें नजर आया? जी जी, उस वक्त हो गया था। और उसके अलावा सेकंड थर्ड नुकसान? फिर तो है ऐसे, बस बहुत ज़्यादा जो परेशानी हुई वो पाकिस्तान के अंदर जो इन्वायरमेंट है बिज़नेस करने की, अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं, जो लोग प्रेशराइज करते हैं, उससे ज़रूर परेशान रहे। कई एक दफ़ा तो छोड़ के जा रहा था ये सारे, यहाँ मैंने कहा था मैं अमेरिका, भाई वगैरह मेरे सारे बहनें सब वहीं थी, तो वो कहते थे कि भाई यहाँ रहने का फ़ायदा नहीं है और छोड़ दो। तो मैंने एक दफ़ा फैसला कर लिया कि अब नहीं, यहाँ रहना नहीं है। तो मैं गया वहाँ जाके, मैं वो जो मेयर था उस सिटी का जहाँ मेरे भाई रहते थे न्यू जर्सी में, उनसे मिला मैंने, तो उन्होंने बहुत मरात मुझे ऑफ़र कर दी कि भाई ठीक है, हम तुम यहाँ इंडस्ट्री लगाओ, हम तुम्हें ये करेंगे। बहुत सपोर्ट किया, मुझे जगह भी दिखाई जाके जो इंडस्ट्रियल पार्क में उनकी जगह थी। और वहाँ तो आपको पता है सारा लोन पे चलता है मामला, बैंक से है, तो बैंक से भी उन्होंने हमें चैम्बर से बात करा दी, और मेरा कुछ दिल भी माइल हो गया। और मैं कोई 6-7 महीने अमेरिका में यही सचोपंज में रहा कि यार ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। फिर मेरे दिल ने कहा कि नहीं, मैं यहाँ रह ही नहीं सकता। सब मेरे बहन भाई वहीं थे और सब सिटीज़न थे, अलावा मेरे, मैं नहीं था ना सिटीज़न था, मैं तो वीज़े पे आता था। तो वो कहते थे भाई क्यों, मैं कहता था मेरा दिल ही नहीं यहाँ रहने का, फ़ायदा कुछ नहीं है वीज़ा लेने, वो कार्ड लेने का, फिर तो आना ही पड़ेगा हर सूरत 6 महीने में। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं करूँगा। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं नहीं करूँगा, पाकिस्तान कितना भी यहाँ मसले मसाइल हैं लेकिन मुझे यहाँ चैन और सुकून है, मुझे यहीं पर दिल लगता है मेरा। फिर मैंने यहाँ फैक्ट्री बड़ी बनाई। फिर ये कौन सा साल था? ये 1990s में होगा, 1993 ऑनवर्ड्स। वही जब फ्रॉड हुआ था उसके फौरन बाद? उसके बाद। उस फ्रॉड से आपको तकलीफ इतनी हुई? उससे हुई थी डेफिनेटली, क्योंकि ये सारा होता है। तो इस तरह तो 2-3 दफ़ा और भी हुआ, कुछ बहुत लोग यहाँ करते हैं, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन ये कि बस ये कि अल्लाह पाक ने बचा के रखा।